the friends, welcome to my channel, study with Kartik. Today we'll study maths. Today we'll match up a question, solve cutting a question. Here we 6q plus 5. Here we have a square root. Here we have a square root. a plus b cube. What identity is given? Here we have a cube plus b cube. This identity is written first. Identity is here. A cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. This is here. अब यहाँ पे हम लोग a को मान लेते हैं 6b को मान लेते हैं 5 plus 6 cube plus 5 is equal to a को मान लेते हैं 6b को 5 plus 6 plus 5 into a square जो कि होगा 6 square minus a into b जो कि होगा 6 into 5 30 plus b square जो कि होगा 5 square 6 plus 5 हो गया आपका 11 into 6 square हो गया 36 minus 30 plus 5 square हो गया 25 यहाँ पे 11 into यहाँ पे हम लोग ये करते हैं 36 minus 36 plus 25 6 plus 5 11 equal 5 61 minus 30 क्या हुआ आपके होगा 31 11 into 31 होगा इसका correct answer इस सब को multiply करके देख लेते हैं 31 into 11 341 हो गया इसका correct answer आप हम लोग इसे verify भी कर सकते हैं कैसे यहाँ पे हम लोग 6 का cube ले लेते हैं जो कि होगा 216 और 5 का cube जो कि होगा 125 यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड भी रख सकते हैं इन दोनों क्यूब और सिंपली ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिटी मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं मान लेते हैं कि बड़े नंबर होते हैं जैसे कि 16 क्यूब प्लस 5 15 क्यूब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी मदद से सिंपली सॉल्व कर सकते यहाँ पे 340 बनाने मतलब कि हम लोग का आंसर करेक्ट है सो विल स्टडी मोर अबाउट मैथ्स इन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच